के गौतम बुद्ध पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जात पात के खिलाफ प्रैक्टिकली काम किया, औरतों को भिक्षु नहीं बनाया, संन्यास नहीं ले सकती थी, औरतों को प्रॉपर्टी करा लिया, औरतों को पूरे उनके अधिकार देने की कोशिश की। तो यानी ये आइडियोलॉजी जो है ये एनिहिलेशन कास्ट ने बनाया, सबने दी है, उसकी बात कोई नहीं करता, खाली लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए ये सारे लोग कर रहे हैं। और उसका फिर नतीजा ये हुआ कि लोग कई बार भटक भी जाते हैं। तो इसलिए आज तीन चीज़ें बहुत करने की ज़रूरत है। अभी मैं कनाडा में 1.5-2 महीने था और 10 जगह मेरे प्रोग्राम हुए। 20 जून को मेरा कैलगरी यूनिवर्सिटी में भाषण था, वहाँ दूसरे लोग भी आए, बहुत गोरे आए, लड़के लड़कियाँ आए, अपने लोग भी थे, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल भी दिया। तो वहाँ पे मैंने उनको रखा कि इंडिया में ये हालत है और सवाए अम्बेडकर के तो दूसरा रास्ता नहीं है। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। आपको पता है कि जब विदेश के लोग किसी सेमिनार में किसी को बुलाते हैं तो भाषण के बाद दौड़ने नहीं देते, एक आधा पौना घंटा क्वेश्चन आवर होता है। उन्होंने बहुत सवाल पूछे, हमने उनको सारा जवाब देने की कोशिश की। तो आइडियोलॉजी जो है, सिद्धांत जो है, उस पर ही लोग खड़े रहते हैं। अगर सिद्धांत नहीं तो आदमी भड़क जाता है, बहक जाता है। अब देखिए हमारे पंजाब में भगत सिंह का नाम बहुत मशहूर है। हमारे देश में 80 के करीब लोग पंजाब के फांसी पे चढ़े हैं, 80 के करीब। और पहला जो शहीद हुआ उर्दू के अखबार का एडिटर था जिसको अंग्रेजों ने शूट किया सड़क पे। लेकिन भगत सिंह का नाम क्यों है ज्यादा, भगत सिंह का नाम सभी शहीदों में सरताज क्यों है? उसका एक कारण है कि भगत सिंह का सिद्धांत था। उस वक्त भी उसने बाबा साहब को अपने ढंग से सपोर्ट किया और गांधी की निंदा की थी, अछूतों के बारे में लेख लिखे, और उसने लिखा कि मैं नास्तिक हूं, वाई आई एम अ थीफ। इसका उसने अंग्रेजी में, हिंदी में, पंजाबी में, अभी सब जगह ट्रांसलेट हो जाने। मेरे कहने का मतलब कि सिद्धांत जो है, अगर आदमी सिद्धांत पे चले तो वही बदल सकता है, खुद को बदले, दूसरों पर बदल सकता है।